तरफ युग और अभिमन्यु ग्रेवियार्ड कोठी के अंदर झूमर के नीचे खड़े हुए थे। दोनों ही डरे हुए लग रहे थे। दोनों के माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंदे थी। लेजर लाइट जलते जलते उन दोनों के नजदीक आने लग गई थी। युग डरते हुए कहता है, यार ये लेजर लाइट तो हमारी तरफ आ रही है। अभिमन्यु अपनी आंखें फाड़ते हुए कहता है, लेजर लाइट नहीं युग, यक्षिणी, यक्षिणी हमारे पास आ रही है। लेजर लाइट सीढ़ियों से जलते हुए युग और अभिमन्यु के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी वो लेजर लाइट उनके पास ना जलकर सीधे ग्रेवियार्ड कोठी के मेन दरवाजे के पास जलने लग जाती है। लेजर लाइट वहीं पर रुक गई थी और बार बार बंद चालू हो रही थी। युग अभिमन्यु का हाथ हिलाते हुए कहता है, अभिमन्यु ये तेरी लेजर लाइट खराब हो गई है क्या? ये बार बार बल्ब की तरह बंद चालू क्यों हो रही है? अभिमन्यु लेजर लाइट को देखते हुए कहता है, यार मेरी लेजर लाइट खराब नहीं हुई है, बल्कि यक्षिणी बार बार उसी जगह मूवमेंट कर रही है। वो वहां पर आ रही है और वहां से ही जा रही है, तभी ऐसा हो रहा है। कुछ देर तक दोनों ही मंत्रमुग्ध होकर लेजर लाइट को जलते बुझते हुए देखते रहते हैं। अभिमन्यु धीरे से कहता है, अब क्या करें यार? करना क्या है, चल दरवाजे के पास जाकर देखते हैं, हो सकता है यक्षिणी दिख जाए। पागल हो रहा है क्या योग? दरवाजे के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। तो फिर क्या करें, ऐसे ही यहाँ पर डरकर खड़े रहे? चल ना यार, तू ना बहुत डरता है, पता नहीं कैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बन गया तू। इतना कहकर युग अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाने लग जाता है। अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। वो दोनों दरवाजे के पास पहुंचने ही वाले थे कि लेजर लाइट चलना बंद हो जाती है। कोठी में फिर एक बार अंधेरा छा जाता है, पर अभिमन्यु और युग के हाथों में मोमबत्तियां थी जिसके कारण उन्हें आसपास की कुछ चीजें दिखाई दे रही थी। युग अभिमन्यु से कहता है, यार ये लाइट जलना बंद क्यों हो गई? अभिमन्यु कहता है, शायद यक्षिणी यहां से चली गई, इसी वजह से बंद हो गई है। युग मोमबत्ती की रोशनी के सहारे अपने आसपास यक्षिणी को ढूंढने लग जाता है। वो यक्षिणी को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। युग हैरानी के साथ अभिमन्यु से पूछता है, अभिमन्यु तूने आवाज सुनी? हाँ सुनी यार, ये आवाज तो बाहर से आ रही है। इसका मतलब ये है कि बाहर कोई है? इतना कहकर बिना कुछ सोचे समझे युग दरवाजा खोलने लग जाता है। अभिमन्यु युग को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर उससे पहले ही झटके के साथ युग दरवाजा खोल देता है। जब दरवाजा खुलता है तो वो देखते हैं कि दरवाजे के बाहर कायर और कछुआ खड़े हुए थे। दोनों के ही हाथों में शराब की एक एक बोतल थी। दोनों को ही देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने खूब शराब पी कर रखी हुई थी। अभिमन्यु अपना गला फाड़ते हुए कहता है, तुम दोनों यहां पर? कायर नशे में अपनी जगह पर हिलते हुए कहता है, हम दोनों नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? तुम दोनों को क्या लगा, तुम दोनों अकेले अकेले कार्यक्रम कर लोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? अभिमन्यु गुस्सा करते हुए कहता है, अरे पागल, हम दोनों यहाँ पर कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, बल्कि। अभिमन्यु इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी कछुआ अभिमन्यु और युग दोनों को धक्का मारते हुए सीधे कोठी के अंदर घुस जाता है। कायर भी कछुए के पीछे पीछे कोठी के अंदर घुस जाता है। जब वो देखता है कि कोठी के अंदर अंधेरा है तो हैरानी के साथ कहता है, ये तुम दोनों ने कोठी के अंदर इतना अंधेरा क्यों करके रखा हुआ है? कछुआ नशे में बड़बड़ाते हुए कहता है, देखा मैंने कहा था ना, ये दोनों आपस में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पका रहे हैं, ये उसी का। कछुए ने इतना कहा ही था कि तभी ग्रीन लेजर लाइट वापस से जलने लग जाती है। एक ही वक्त में लेजर लाइट ग्रेवियार्ड कोठी के अलग अलग हिस्सों में चल रही थी। कभी वो रूम नंबर 666 के पास चल रही थी तो कभी सीढ़ियों पर तो कभी हॉल में लगे हुए झूमर के नीचे। कछुआ अपनी आंखें मलते हुए कहता है, ये लाइट को क्या हो गया यार, ये ग्रीन कैसे जल रही है? सुबह तक तो ठीक थी, कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गई या फिर मैंने ज्यादा पी ली है? युग और अभिमन्यु को समझ नहीं आ रहा था कि लेजर लाइट एक ही वक्त में दो तीन जगह एक साथ कैसे जल सकती थी। अचानक से कोठी की सारी लाइट चालू हो जाती है और कोठी में उजाला हो जाता है। युग और अभिमन्यु की आंखें चमक जाती है और जब उनकी नजरें कोठी में लगी लाइट के स्विच बोर्ड के पास पड़ती है तो वो देखते हैं कि वहां पर कायर खड़ा हुआ था जिसने लाइट का स्विच ऑन कर दिया था। कायर
नशे में कहता है। ये कमीने योग और अभिमन्यु ने ना लाइटें बंद करके रखी थी, उसी के कारण ऐसा लग रहा था। साले बिजली का बिल बचा रहे थे। कछुआ कहता है, ये दोनों तो है ही कंजूस, अच्छा हुआ तूने लाइट ऑन कर दी, वरना मैं अंधेरे में पैक कैसे बनाता। अगर शराब गिर जाती तो वैसे ही बहुत महंगी है, मैं नुकसान नहीं उठा सकता। इतना कहकर कछुआ झूमर के नीचे बैठ जाता है। कायर भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। युग और अभिमन्यु वहीं पर खड़े हुए थे और कायर कछुए को नौटंकी करते हुए देख रहे थे। युग को कायर और कछुए पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर दोस्त होने के कारण वो उन दोनों को कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो उन दोनों को वहां से भगा दे, पर दोस्ती की खातिर तो वो चुप था। कायर अभिमन्यु को देखते हुए कहता है, अरे अभिमन्यु तू खड़ा क्यों है, आ नीचे बैठना, महफिल सजाते हैं, रंग जमाते हैं और जिंदगी के गम बुलाते हैं। ये शराब ही तो है जिसे पीने के बाद सारे दर्द कम हो जाते हैं। अभिमन्यु कायर को मना करते हुए कहता है, आज मंगलवार है और मैं मंगलवार के दिन नहीं पीता, और वैसे भी तूने सुना नहीं है क्या, नशा शराब में होता है तो नाचती बॉटल, नशा शराब में नहीं इंसान के अंदर होता है। कछुआ मुंह बनाते हुए धीरे धीरे कहता है, क्या कहा तूने, तू मंगलवार के दिन नहीं पीता, तू क्या बजरंग बली का भक्त है हाँ, जो मंगल को नहीं पीता। भक्त तो नहीं, पर जिंदगी के कुछ उसूल है मेरे, तुम्हारी तरह नहीं कि जब जेब भारी हुई कि चले ठेके पर जेब खाली करने। कायर अपनी शर्ट के अंदर से डिस्पोजल निकालता है और फर्श पर रखते हुए कहता है, यार कछुए तू इस अभिमन्यु को छोड़ना और जल्दी जल्दी पैक बना, इसे पीकर ना मेरे अंदर की आग बुझाने दे। कछुआ शराब की बोतल का ढक्कन खोलते हुए कहता है, अरे अभी बनाता हूं, दो मिनट। इतना कहकर कछुआ दोनों डिस्पोजल में शराब डालने लग जाता है। डिस्पोजल में उसने शराब तो डाल दी थी, पर पानी उसे नहीं मिल रहा था। कछुआ बोतल ढूंढते हुए कहता है, अरे पानी, पानी की बोतल कहां पर है। कछुआ अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे पानी की बोतल तुम्हें वही दुकान पर भूल आया। कायर कछुए पर चिढ़ते हुए कहता है, तू ना कछुए एक काम ढंग से नहीं करता है, सब कुछ भूल जाता है। अरे तू चिल्ला क्यों रहा है यार, पानी तो हमें यही मिल जाएगा ना। अरे जा युग, तेरा पानी तो लेकर आ। युग गुस्से से कछुए को घूरने लग जाता है। कछुआ हंसते हुए कहता है, अरे घूर क्या रहा है, तेरी आंखों का पानी थोड़ी मांगा है, जा अंदर जा और पानी लेकर आ। युग गुस्से से कहता है, मैं नहीं ला रहा पानी, जिसे पीना है वो खुद किचन में जाए और लेकर आए। अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, युग मैं समझ रहा हूँ, तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ना इन दोनों पर, मुझे भी आ रहा है, पर क्या करे, है तो अपने बचपन के दोस्त ही ना। देख ये दोनों बहुत नशे में हैं, तो इन्हें समझाने का कुछ फायदा नहीं, ऐसा कर जल्दी पानी लाकर दे दे इन्हें, जितनी जल्दी ये पियेंगे इन्हें चढ़ेगी, ये सोएंगे उतनी ही जल्दी हम वापस से अपना काम आगे जारी रख सकते हैं। जो कुछ कहता है उससे पहले ही कछुआ बड़बड़ाते हुए कहता है, अरे पानी 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 कहाँ है, पानी हमको चाहिए, पानी पानी। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, अरे हाँ बाबा ला रहा हूँ पानी, चिल्ला क्यों रहा है। युग तुझे नहीं लाना ना पानी, मतलब मैं ही लेकर आता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु किचन की ओर जाने लग जाता है। उसके जाने के बाद युग को जितनी गाली आती थी वो सारी मन ही मन कायर और कछुई को देने लग गया। अभिमन्यु को गए हुए अभी कुछ देर ही हुई थी कि तभी उसकी आवाज सुनाई देती है, अरे युग जरा यहां पर आना। अब क्या हुआ यार, तू पानी भी अकेले नहीं ला सकता क्या। इतना कहकर युग अपने कदम किचन की ओर बढ़ाने लग जाता है। इस तरफ तहखाने के अंदर अमोदिता और रजनी बैठे हुए थे। 3:10 कम थे। अमोदिता को अभी भी दर्द हो रहा था, उसके पैर के अंगूठे पर खून जम चुका था, खून के कुछ छींटे फर्श पर भी पड़े हुए थे। रजनी अमोदिता की तरफ देखते हुए कहती है, अब हमें काम शुरू करना चाहिए। अमोदिता जल्दी से पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके बैठ जा। जैसा रजनी ने कहा था,
अमोदिता वैसा ही करती है। वो पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाती है। रजनी अमोदिता के सामने जाकर बैठ जाती है और वो पुड़िया जिसके अंदर उसने युग का बाल रखा हुआ था उसे खोलने लग जाती है। फर्श पर ही अमोदिता के सामने हल्दी की कुछ गांठे रखी हुई थी। रजनी वो बाल अमोदिता को देते हुए कहती है, ये ले युग का बाल और इन हल्दी में से एक गांठ उठा और उसके ऊपर युग का नाम जपते हुए लपेट दे। जैसा रजनी कहती है अमोदिता वैसा ही करती है। अपना दुपट्टा दे मुझे। क्या कहा? दुपट्टा? पर क्यों? अरे दे तो। अमोदिता अपना काला दुपट्टा रजनी को दे देती है। रजनी वो दुपट्टा फाड़ने लग जाती है। अमोदिता रजनी को रोकते हुए कहती है, माँ इसे तुम फाड़ क्यों रही हो? ये मेरा फेवरेट दुपट्टा है। रजनी गुस्सा भरते हुए कहती है, नालायक लड़की अपना मुंह ना बंद रख, नया दुपट्टा ले लेना। वैसे तो इस विधि में रुमाल का उपयोग किया जाता है पर अभी इस वक्त इससे ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि 3 बज गए हैं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। 4 बजने से पहले ये विधि पूरी करनी है वरना ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा। क्यों माँ? ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया तो कुछ हो जाएगा क्या? होगा तो कुछ नहीं पर वो दैवीय शक्तियों का समय होता है। याद रखना 3 से 4 के बीच में शैतानी शक्तियों का वक्त होता है और 4 से 5 में दैवीय। और बाकी का समय? बाकी के समय में दोनों की शक्तियां समान होती है। इतना कहकर रजनी अमोदिता के दुपट्टे में से उसका एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ लेती है और अमोदिता को देते हुए कहती है, ये ले इसके अंदर अब वो हल्दी की गांठ लपेट दे जिसमें तूने युग का बाल लपेटा है। जैसा रजनी ने कहा था अमोदिता ने सब कुछ वैसा ही किया। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, देख वैसे तो एक आम लड़की को इस गांठ को 21 दिनों तक अपने सिरहाने में रखकर सोना पड़ता है और रोज वशीकरण मंत्र का जाप करना पड़ता है। उसके बाद किसी चौराहे पर जाकर इसे फेंकना पड़ता है। पर तू एक सौदाइन है, इसी का तुझे फायदा मिलेगा। तुझे 21 दिन का इंतजार नहीं करना बल्कि आज रात ही चौराहे पर फेंक कर आना है, वो भी अकेले। अमोदिता डरते हुए कहती है, क्या कहा माँ तुमने? चौराहे पर जाना है वो भी अकेले? रजनी अमोदिता पर भिन्न आते हुए कहती है, तूने फिर डरना शुरू कर दिया ना। कितनी बार समझाऊं तुझे, तू एक सौदाइन है और सौदाइन कभी डरती नहीं बल्कि अपने काले जादू से लोगों को डराती है। रजनी की बातें सुनकर अमोदिता की हिम्मत बढ़ने लग जाती है और वो अपनी जगह पर उठने की कोशिश करते हुए कहती है, हाँ माँ सही कहा आपने, मैं एक सौदाइन हूँ और सौदाइन डरती नहीं बल्कि डराती है। अमोदिता के अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा था पर फिर भी युग को अपने वश में करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है और खड़ी हो जाती है। रजनी भी अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहती है, चौराहे पर तुझे 3 बार ये मंत्र बोलना है, ओम नमो महायाक्षी मम वंशी सस्वाहा। मंत्र याद रखना, भूलना मत, समझी? हाँ माँ याद रखूंगी। ओम नमो महायाक्षी मम वशी सस्वाहा। रजनी और अमोदिता तहखाने में से बाहर निकलते हैं और चुपके से हवेली से बाहर निकल जाते हैं। रजनी हवेली के गेट पर ही रुक जाती है और कहती है, तेरा और मेरा साथ यहीं तक था, अब यहाँ से तेरा सफर अकेले शुरू होता है। अब इस काम को तुझे ही अंजाम देना है और याद रखना, चौराहे पर ये पोटली फेंकने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे घर वापस आना। अमोदिता गहरी सांस लेते हुए कहती है, अगर वहां पीछे मुड़कर देख लिया तो क्या होगा? तो ये टोटका टूट जाएगा और ये भी हो सकता है कि तू एक नई बला अपने साथ ले आए, समझी? अब ज्यादा सवाल मत कर, जल्दी जा, वक्त कम है। अमोदिता लंगड़ाते लंगड़ाते वहां से जाने लग जाती है। रजनी वहीं हवेली के दरवाजे पर खड़ी रहती है। 20 मिनट बाद अमोदिता वापस आ जाती है। जैसे ही अमोदिता वापस आती है रजनी बौखलाहट के साथ पूछती है, क्या हुआ, काम को अंजाम दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आई? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ माँ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। रजनी खुश होते हुए कहती है, शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अब तू बस कल सुबह का इंतजार कर, देखना कैसे युग तेरे नाम की माला जपता है। हाँ माँ अब मुझे भी सुबह का ही इंतजार है। अमोदिता और रजनी दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं।
इस तरफ युग जब किचन में अभिमन्यु के पास पहुंचता है तो चिढ़ते हुए कहता है, क्या है यार अभिमन्यु, अब तू पानी भी अकेले नहीं ले सकता क्या? अभिमन्यु मटके पर का ढक्कन हटाते हुए कहता है, यार पानी तो तब लाऊंगा ना जब मटके के अंदर पानी हो, ये तो खाली पड़ा हुआ है। युग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे शिट, मैंने सोचा था शाम को पानी भर लूंगा, पर ग्रेवयार्ड कोठी में लेजर लाइट लगाने के चक्कर में ना भरना ही भूल गया। तो फिर क्या करे, बाहर तो दो मगरमच्छ पानी का इंतजार कर रहे हैं। करना क्या है, उठा बकेट और चल कुएं के पास। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, कुआं? पर कुआं कहां है? अरे ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे ही तो है, मैं वहीं से पानी भरता हूं पीने के लिए। एकदम साफ पानी आता है, मीठा मीठा, जैसे किसी झरने का पानी होता है ना, बिल्कुल वैसा। कभी कभी तो मुझे लगता है कुएं के अंदर झरने का पानी ही है। अच्छा चल फिर, आज इसी बहाने तेरी कोठी का कुआं भी देख लेते हैं। इतना कहकर अभिमन्यु बकेट उठाता है और युग के साथ साथ ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे वाले दरवाजे से कुएं के पास जाने लग जाता है। ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, चांद की चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई थी, जिस कारण बाहर अंधेरा नहीं था। चांद की रोशनी में कुआं और आसपास के पेड़ पौधे साफ दिखाई दे रहे थे। युग और अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे पहुंच गए थे। ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे वाले दरवाजे के जस्ट बगल में ही इमली का पेड़ लगा हुआ था, पर अभिमन्यु की उस पर नजर नहीं पड़ती क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो अभी हल्के होने के लिए जगह ढूंढने पर था। वो चलते चलते बड़बड़ाते जा रहा था, कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं यार। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या हुआ, तुझे कहीं जाना था क्या? अरे हल्का होने जाना है, उसी के लिए जगह ढूंढ रहा हूं। यार हल्का होने के लिए भी जगह ढूंढने की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ यार ढूंढनी पड़ती है, तुझे नहीं पता क्या? क्या नहीं पता, यही कि हर जगह पेशाब नहीं करना चाहिए, सुनसान जगह और पेड़ के नीचे तो कतई नहीं। युग हैरानी के साथ पूछता है, क्यों?